पठानकोट के साथ लगते सुजानपुर में बीजेपी को उस समय और बल मिला जब सुजानपुर देहाती के सरपंच अपने सभी पंचायत सदस्यों और साथियों सहित कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर सुजानपुर के एमएलए और पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ठाकुर दिनेश सिंह बब्बू ने सरपंच तरसेम लाल और उनके साथियों का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर ने सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में पार्टी और मजबूत हुई है। तिलकराज जी सरपंच जिहड़े ने ओ कांग्रेस छड़ के भाजपा च शामिल होए, उन्होंने सारे मेंबर भी जिहड़े ने भारतीय जनता पार्टी दे, और तिलकराज सरपंच जी मेहनती ने ईमानदार ने, और इन्हों की मेहनत देखते हुए लगातार पिछले एक साल तो प्रयास करेगा कि तिलकराज जी भारतीय जनता पार्टी जान, और अज प्रयास वह सफल होया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्थे होर बल मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अगे तो वध वोटा जी इतों जितेगी। और ऐसे सरपंच जिहड़े मेहनती और काम करने वो अगे आन और भारतीय जनता पार्टी का पूरा मान सम्मान करती है, और इन्हों पूरा मान सम्मान जो पार्टी इन्हों की पूरी पंचायत जी भारतीय जनता पार्टी चाहिए पूरे मैंबर। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि अगर वे सुजानपुर में पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे तो आने वाले समय में पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाएगा। श्री दिनेश जी बाबू डिप्टी स्पीकर पंजाब मेरे संपर्क में आए, मैं इन्होंने लगातार कई बार मीटिंगा भी कीतियां, और मैं लोगों के भले वास्ते इन्हों हर वेले गया है, और फंड्स की भी मदद मांग की थी और दिते आ, और लोगों की डिवेलपमेंट की है। हूँ मेरे काम में वेख के और मैं डिप्टी स्पीकर जी की एक कारकुशलता वेख के उन्होंने मेहनत वेख के मेरा मन जोड़ा है वो कांग्रेस वालों मोह भंग हो गया, और मैं डिप्टी स्पीकर जी के नाल अज मिलिया, और मैं विश्वास दवाना कि मेरी जड़ी ग्रैविटी जेडे कि मेरे पिंड दे काफ़ी लंबे समय तो भारतीय जनता पार्टी का जो बोलबाला कट सीगा वो मैं उपर लैके पूरी लैके पूरी पंचायत लैके और पूरे 90% वोट 90% वोट पिंड दे लैके। मैं अज तो कोई साल पहला आंदा तो मेरे जेडे पिंड की जी रूपरेखा ही विकास के पक्षों होर बननी सी। मेजर अली के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।